एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो गाइस यार, आप लोगों ने बहुत दिनों से कमेंट कर रहे थे कि लाइव प्रोग्राम का एक सेटिंग बताइए जो कि छोटा सा एम्पलीफायर होना चाहिए, जो कि कैसे एक एम्पलीफायर से दूसरे एम्पलीफायर को कैसे कनेक्शन किया जाता है। विदाउट मिक्सर के बारे में भी कनेक्शन बताइएगा और मिक्सर के साथ भी कनेक्शन बताइएगा। तो गाइस यार, आज की इस वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि गाइस आप लोग को एक सेटअप का लाइव दिखाने वाला हूँ सेटिंग की, कैसे उसमें सेटिंग किया जाता है। तो चलिए गाइस, आप लोग को सेटिंग दिखाते हैं। दोस्तों, आप लोग को ऐसा एम्पलीफायर का कनेक्शन करने के लिए, जो कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे पास एक है स्ट्रेंजर 701 एक, और यहाँ पर दूसरा स्ट्रेंजर 501 है, और यहाँ पर उज्जा 2-250 वाटेज का 3 एम्पलीफायर है। तो गाइस, आप लोग का बहुत सारा ऐसा कमेंट आ रहा था कि हमें 3 एम्पलीफायर का विदाउट मिक्सर का कनेक्शन के बारे में बताइए कि कैसे उसे विदाउट मिक्सर का ऑपरेट कर पाए। तो गाइस, आप लोग को विदाउट मिक्सर का कनेक्शन करने के लिए यहाँ पर आप लोग को 3 इस टाइप का जैक लेना होगा। अगर 4 एम्पलीफायर या 5 एम्पलीफायर ज़्यादा आप लोग अटैच करेंगे तो इसी टाइप को आप लोग को जैक टू जैक कनेक्शन लेना होगा, क्योंकि गाइस यहाँ पर देखिए जैक टू जैक कनेक्शन है, और यहाँ पर यह दूसरा भी जैक टू जैक कनेक्शन है। और गाइस, विदाउट मिक्सर से चलाने के लिए यहाँ पर आप लोग को एक जैक कनेक्शन लेना होगा और एक यहाँ पर आइडियो मोबाइल कनेक्शन लेना होगा। तो चलिए गाइस, अब इसके बैक पैनल से बताते हैं कि कैसे इसको सेटिंग किया जाता है। तो सिंपली गाइस, यहाँ पर ये एम्पलीफायर का बैक पैनल है, जो कि आप लोग देख सकते हैं, जो स्ट्रेंजर का 701 है उसके पीछे बैक पैनल पे आप लोग को फ़ैन देखने को मिल जाएगा, और जो 501 है उसके भी पीछे बैक पैनल पे आप लोग को फ़ैन देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, यहाँ पर मेरा टॉप जो है, जो कि 1000 वाटेज का इस 701 पे चला रहे हैं, जो कि इसका कनेक्शन अभी आप लोग को दिखाएंगे कहाँ पर मेरा टॉप चल रहा है। तो चलिए गाइस, आप लोग को मेन मोटिव है कि कैसे इसका 3 एम्पलीफायर को एक साथ अटैच किया जाता है और कैसे उसे विदाउट मिक्सर से चलाया जाता है। तो सिंपली गाइस, आप लोग को जो पहला एम्पलीफायर है उसके पहला एम्पलीफायर के ऑक्स 1 में भी डाल सकते हैं या लाइन इन में भी डाल सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पर मान के चलिए हम ऑक्स 1 में यहाँ पर कनेक्ट कर दिए, और जो वायर यहाँ पर, जो ये ग्रीन कलर का वायर है, इसको मैंने ऑक्स 1 में कनेक्ट किया है। तो गाइस, यहाँ पर आप लोग का यह मोबाइल का लीड हो गया, क्योंकि गाइस ये मोबाइल में आप लोग का सेट होगा। तो चलिए गाइस, अब हम इस एम्पलीफायर से इस वाले एम्पलीफायर का आउटपुट लेंगे। तो गाइस, यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा एक आउटपुट, या आप लोग को लाइन आउटपुट देखने को मिल जाएगा। तो लाइन आउटपुट में अगर आप लोग इसे इंसर्ट कीजिएगा तो लाइन आउटपुट में ही आप लोग को इसे लाइन आउटपुट लेना होगा। तो चलिए गाइस, यहाँ पर हमसे मेन से लेते हैं प्रे आउट से। तो प्रे आउट से जो यहाँ पर लिए थे, इसका जो एक छोर लास्ट वाला है, इसको आप लोग को क्या करना है कि जो दूसरा एम्पलीफायर है उसके एम्पलीफायर में आप लोग को लाइन इन में इंसर्ट कर देना है। तो यहाँ पर दो एम्पलीफायर मेरा एक साथ कनेक्ट हो गया। अब बात आती है गाइस कि अब तीसरे एम्पलीफायर को कैसे कनेक्ट करेंगे। तो गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि लाइन इन में हमें यहाँ पर कनेक्ट किया है, और दूसरा यहाँ पर लाइन आउट है। तो लाइन आउट में आप लोग को एक सिग्नल लेना है, और यहाँ पर जो लास्ट आपका बचेगा वायर, जो जैक रहेगा, उसको आप लोग को तीसरे एम्पलीफायर के लाइन इन में कनेक्ट कर देना है। तो इसी टाइप से आप लोग को चैन रिएक्शन चलता रहेगा गाइस। आप लोग जितना चाहेंगे उतना आप लोग इसी टाइप से सारा एम्पलीफायर को कनेक्ट कर सकते हैं, 5, 7, 8, 10 जितना भी चाहेंगे आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, इस सेटअप में हम अपना एक सॉन्ग प्ले करके देखते हैं कि कैसे यहाँ पर सॉन्ग प्ले होता है। तो गाइस, यहाँ पर सॉन्ग प्ले करने से पहले आप लोग को बता दूँ कि यहाँ पर जो मेरा बीच वाला एम्पलीफायर है, इस पर मेरा 7 हर्न चल रहा है, जो कि अच्छे तरह से चल रहा है, जो कि उज्जा का 40 वाटेज का हर्न है, और काफ़ी बेहतरीन चलता है। ऐसे तो दोस्तों इस एम्पलीफायर में 15 से 20 हर्न भी चला सकते हैं। और जो मेरा ये ऊपर वाला एम्पलीफायर है, इस पर 400 वाटेज का उज्जा का टॉप का वो वाला चल रहा है। और जो यहाँ पर जो नीचे वाला एम्पलीफायर है, सबसे 701 जो स्ट्रेंजर का है, इस पर मेरा चल रहा है 1000 वाटेज के 2 टॉप। तो गाइस, आप लोग समझ सकते हैं कि 700 वाटेज का ये एम्पलीफायर है, बट इस पर कितना हम लोड दिए हैं, 2000। तो ये इजीली चल जाता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि स्ट्रेंजर का काफ़ी अच्छा लोड लेता है, और इससे भी ज़्यादा लोड लेता है ये ऊपर वाला एम्पलीफायर, जो कि हुजा में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, आप लोग को टॉप दिखाने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग वहाँ पर देखिएगा। तो वहाँ पे गाइस, यहाँ पर मेरा एक टॉप हो गया, और गाइस वहाँ पर लास्ट में दूसरा टॉप है, जो कि 1000 वाटेज का है। उसके अंदर आप लोग को JBL का ओरिजिनल स्पीकर लगा है, तो गाइस वो काफ़ी बेहतरीन बजता है। अभी आप लोग को साउंड क्वालिटी सुनाएंगे। और जो बीच वाला है वहाँ पे आप लोग मॉनिटर देखने को मिल जाता है। तो चलिए गाइस, इसमें अब अपना सॉन्ग प्ले करेंगे और देखते हैं यहाँ पर कैसा होता है। तो गाइस, आप लोग को बता दूँ कि जहाँ पर ये मेरा सेटअप लगा है, ये सेटअप एक मेला टाइप का है, मान लीजिए बहुत दूर से लोग आते हैं, और यहाँ पर एक सती माता का यहाँ पर मंदिर है, इसी मंदिर पर मेरा सेटअप लगाया, जो कि आप लोग देख सकते हैं। और बहुत सारे यहाँ पर आप लोग को भीड़ भी देखने को मिल जाएगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं, और इस तरह से यहाँ पर होता है। तो गाइस, यहाँ पर ज़्यादा सेटअप का डिमांड नहीं था, केवल यहाँ पर 2 टॉप को ही लगाना था, कॉलम को 2 लगाना था। तो गाइस, यहाँ पर एक्स्ट्रा एक मोनिटर भी मैंने लगा दिया है। तो चलिए गाइस, यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह से साउंड क्वालिटी आ रहा है, और गाइस यहाँ पर 7 हर्न भी चल रहा है, काफ़ी मज़ेदार तरह से यहाँ पर साउंड क्वालिटी आ रहा है। तो चलिए गाइस, अब आप लोग को यहाँ पर साउंड क्वालिटी प्ले करके दिखाते हैं। तो चलिए गाइस, यहाँ पर सबसे पहले हम अपने मोबाइल में
यहाँ पर है हमारे पास ये मोबाइल है, यहाँ पर NCS का म्यूजिक रेडी है, तो चलिए इसे हम प्ले करते हैं। तो गाइस यहाँ पर सारा मेरा एम्पलीफायर का पावर बिल्कुल ही ऑफ है, तो इसे परापर इसे ऑन कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर सभी एम्पलीफायर में मेरा पावर आना चालू हो गया है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो इस वाले एम्पलीफायर पे यहाँ पर मॉनिटर चल रहा है, इस वाले पे हॉर्न चल रहा है जो कि 7 हॉर्न चल रहा है 40-40 वाटेज का ऊर्जा का, और इस वाले एम्पलीफायर पे चल रहा है 1000-1000 वाटेज के 2 टॉप। तो काफ़ी इस पे ज़्यादा लोड है, बट गाइस हम बहुत दिनों से यूज करते हैं, काफ़ी इजीली तरीके से लोड ले देता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होता है। NCS का म्यूजिक प्ले कर दिया, और गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि NCS का म्यूजिक चालू हो गया। और गाइस यहाँ पर AUX1 से अगर आप लोग इसमें इनपुट डालें तो AUX1 का ही आप लोग को वॉल्यूम उठाना होगा, बाकी अदरवाइज किसी का भी आप लोग को छेड़छाड़ नहीं करना है। तो गाइस यहाँ पर AUX1 का वॉल्यूम उठाएंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरे में साउंड क्वालिटी आना चालू हो गया। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि वो स्पीकर का कैसे साउंड क्वालिटी आ रहा है। साढ़े चार सौ वाटेज का JBL का ओरिजिनल स्पीकर देखने को मिलेगा, और 100 वाटेज का HF लगा हुआ है, तो टोटल मेरा मिलाकर 1000 वाटेज का एक टॉप हो जा रहा है। तो काफ़ी बेहतरीन बजता है साउंड क्वालिटी, अभी आप लोग को प्ले करके दिखाएंगे। तो वैसे आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन तरीके से तो सिंपली गाइस यहाँ पर तो मैंने आप लोग को विदाउट मिक्सर का कनेक्शन बताया कि विदाउट मिक्सर से कैसे आप लोग को एम्पलीफायर को अटैच करना है और कैसे उसका कनेक्शन करके चलाना है। तो गाइस यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं जो कि दूर से यहाँ पर आते हैं, जो कि यहाँ पर सती माता का एक मंदिर है, जो कि काफ़ी दूर से लोग आते हैं और बहुत दिनों से ये परम्परा चल रहा है। कैसे करी सोना हो सिंगार ना हो रे रामा हो, कैसे करी सिंगार ना हो रे रामा हो, कैसे करी सोना हो सिंगार ना हो। दोस्तों आई होप कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो जब भी हम अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।